भाई धीरज गुलाटी। सदस्य हमारे शहर के गणमान्य व्यक्ति आप सभी का कुशेत्रा दशहरा कमेटी की ओर से मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक राम लक्ष्मण जी से प्रार्थना के वो खुद अपने दस के मुबारक थे रावण का दहन करे। राम लक्ष्मण जी से प्रार्थना मेघनाथ के पुतले को राम लक्ष्मण दहन करेंगे। वर्षों से चले आ रही परंपरा के अनुसार भगवान राम शक्ति भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी से प्रार्थना के शहर की तरफ से और जितने भी गणमान्य व्यक्ति आए हैं कमेटी दशहरा कमेटी की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। सारे रावण के पुतले से पीछे हटेंगे, कृपया अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, कृपया सभी आग से दूर रहेंगे। सभी से अनुरोध है कृपया रावण के नजदीक मत आए, थोड़ी देर बाद इसमें कुछ भी हादसा घट सकता है। सभी से आज पूरे देश भर में विजयदशमी का मैं दशहरा का त्यौहार मनाया जा रहा है और ये मैं कहूँगा एक भारत ही है जहाँ पर ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाए जाते हैं। आज जो प्रकार का खुशी का महोत्सव है, भगवान राम ने किस प्रकार से आज मैं कहूँगा दशमी के दिन रावण को मारकर किस प्रकार से जीत हासिल करी थी, आज उन्हीं की प्रेरणा के तहत मैं एक बात कहूँगा, राम बहुत बड़ा ज्ञानी था लेकिन किसी के अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। तो घमंड को खत्म करने के लिए किस प्रकार से भगवान राम ने इस देश के अंदर मैं कहूँगा एक संस्कार एक संस्कृति पैदा की, आज उन्हीं के मार्गदर्शन पर पूरा देश चल रहा है। मैं एक बार फिर विजयदशमी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। 2 नवंबर को अमित शाह जा रहे हैं करनाल में सरकार के। देखिए 2 नवंबर को अमित शाह जा रहे हैं, बहुत बड़ा एक कार्यक्रम लाभार्थी का और बहुत बड़े कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, इसके लिए जनता में बड़ा उत्सव है और आप कार्यक्रम देखेंगे कितना बड़ा कार्यक्रम। विजयदशमी महापर्व की मैं पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा वासियों को, हरियाणा प्रदेश वासियों को, देशवासियों को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये जो असत्य के ऊपर सत्य की जीत हुई है, जो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई है, भगवान श्री राम ने उस जो ऐसी दुष्ट आत्मा थी उसका सर्वनाश करके आज विजय हासिल की है। मैं आज इस पर्व को पूरा देश भव्य तरीके से मना रहा है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अमित शाह जी आ रहे हैं और भव्य कार्यक्रम होगा उसको लेकर के पूरी तैयारी के पास देश के अंदर दशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा है
ये विजयदशमी का जो त्यौहार है ये हमें इसलिए प्रेरणा देता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, चार वेदों को ज्ञाता था, परंतु उसे अहंकार हो गया था कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, और राम को भगवान को स्वयं राम के रूप में अवतार लेकर उसके अहंकार को तोड़ना पड़ा था। आज हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि अहंकार अगर हमारे अंदर है, कोई बुराई हमारे अंदर है, हम सब इनको निकाल कर सभी जाति धर्म और मजहब से उठकर हमें ये मनाना चाहिए। हर कुरुक्षेत्र के अंदर आज कुरुक्षेत्र दशहरा कमेटी द्वारा जो बहुत वर्षों से लगातार थीम पार्क में इसको मनाया जा रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है, दशहरा कमेटी के सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूँ, इतना भव्य आयोजन किया।